अगर आप किसी से एक प्रश्न पूछे कि क्या वो इंटेलिजेंट है या वाइस, तो अमूमन आपको 10 में से 9 बार जवाब यही मिलेगा कि वो वाइस है, इंटेलिजेंट नहीं। हालांकि सच्चाई ये है कि कौन नहीं चाहता कि वो इंटेलिजेंट भी कहलाए और वाइस भी, मगर संदर्भ ऐसा हो कि इंटेलिजेंट बोलने के बाद वो इंटेलिजेंट साबित हो जाए और वाइज बोलने के बाद वो वाइज भी। दोनों में फर्क है। एक बहुत गहराई वाली, एक सच्चाई वाली घटना से आपको मैं रूबरू कराता हूं। औरंगाबाद के 7 युवकों की सड़क हादसे में हाल ही में मौत हो गई। वजह थी कार के टायर का फटना। आजकल नए बने एक्सप्रेसवे पर रोजाना गाड़ियों के टायर फटने के मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें रोजाना कई लोगों की जाने जा रही है। एक दिन बैठे बैठे मन में प्रश्न उठा के आखिर देश की सबसे आधुनिक सड़कों पर ही सबसे ज्यादा हादसे क्यों हो रहे हैं, और हादसों का तरीका भी केवल एक ही है, वो भी मात्र टायर फटना। ऐसी कौन सी कीले बिछा दी है सड़क पर हाईवे बनाने वालों ने कि सबके टायर ही फटते जा रहे हैं? दिमाग ठहरा खुराफती, सो सोचा आज इस बात का पता किया जाए। तो सारी यंत्रणा और जंत्री लगा दी इसके पीछे। अब सुनिए इसका हल क्या है या इसके पीछे का राज क्या है। हमने प्रयोग के लिए एक मित्र को बुला लिया और स्कॉर्पियो एसयूवी से निकल पड़े। ध्यान रहे, ये असली मुद्दा टायर फटना है। सबसे पहले हमने ठंडे टायर का प्रेशर चेक किया और उसको अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ठीक किया, जो कि 25 PSI है। PSI यहां पर मापदंड होता है प्रेशर का जो टायर में जाता है। सभी विकसित देशों की कारों में यही हवा का दबाव रखा जाता है, जबकि हमारे देश में लोग इसके प्रति जागरूक ही नहीं है, या फिर ईंधन बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा हवा टायर में भरवा लेते हैं, जो कि 35 से 45 PSI होता है, और ये आम बात है। खैर, अब आगे चलते हैं। इसके बाद 4 लेन पर हम चढ़ गए और गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी की स्पीड 120 या 140 किलोमीटर के दरमियान प्रति घंटा चल रही थी। हमने कोशिश यही की कि 120 से 140 की रफ्तार जमाए रखें। इस रफ्तार पर गाड़ी को 2 घंटे दौड़ाने के बाद हम उदयपुर के पास पहुंच गए थे। रुककर हमने दोबारा टायर प्रेशर चेक किया तो यह चौंकाने वाला था। अब टायर प्रेशर था 52 PSI। समझ रहे हैं, ये डबल हो चुका था। इनफैक्ट ये डबल से 2 PSI ज्यादा था। हमने 25 PSI भरवाया और अब जाकर 52 PSI हो गया है, और ये मात्र गाड़ी के चलते चलते हो गया है। ना चौंकाने वाली बात। अब प्रश्न उठता है कि आखिर टायर प्रेशर इतना बड़ा कैसे? सो उसके लिए थर्मोमीटर को टायर पर लगाया तो टायर का तापमान था 92.5 यानी 92.5 डिग्री सेल्सियस। सारा राज अब खुल चुका था कि टायरों के सड़क पर घर्षण से तथा ब्रेकों की रगड़ से पैदा हुई गर्मी से टायर के अंदर की हवा फैल गई। B2B टायर के अंदर हवा का दबाव इतना अधिक बढ़ गया, क्योंकि हमारे टायरों में हवा पहले ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप थी, सो वो फटने से बच गया। लेकिन जिन टायरों में हम हवा का दबाव पहले से ही अधिक यानी 35 से 45 PSI रखते हैं, या जिन टायरों में कट लगे होते हैं, उनके फटने की संभावना अत्यधिक होती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हिंदुस्तान में टायरों की जो एवरेज लाइफ होती है वो 4 साल से नीचे होनी चाहिए,
उस पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि आप कितने गतिशील हैं अपनी वाहन से, जिससे आपके टायर का वेयर एंड टीयर हो रहा है। किसी किसी गाड़ी में जो ज्यादा चलती है उसका एवरेज लाइफ तो 2 साल से भी नीचे होता है। मान लीजिए 1 साल अगर आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल रही है तो अमूमन एक टायर की लाइफ साइकिल 4 से 5 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अंततः 4 लेने पर जाने से पहले अपने टायर का दबाव सही कर ले और सुरक्षित सफर का आनंद ले, ऐसा मेरा सबसे गुजारिश है। मेरी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से भी यही विनती है कि वो भी वाहन चालकों को जागरूक करे ताकि हाईवे का सफर अंतिम सफर ना बने। आप सभी जितने भी मित्रगण हैं जो ये मेरी बात सुन रहे हैं इस वीडियो द्वारा, अपने खास दोस्त, जन बंधु, अपने मित्र परिवार सभी को ये बात बताएं, क्योंकि ये बात शायद हमारी जानकारी के लिए जितना अनिवार्य है उतना ही अपनों को और अपने परिचितों को बचाने के भी। क्योंकि ऐसा करके आपने यदि एक जान भी बचा ली तो आपका मनुष्य जन्म धन्य होगा। मेरी बारी तो हो चुकी, मैंने आपको सतर्क किया, अब आपकी बारी, आप अपनों को औरों को सतर्क कीजिएगा। धन्यवाद।